नागरिक की दृष्टि से देखता हूं कि ये सारी राजनीतिक पार्टियां जो फ्री की रेवड़ियां बांट रही है, मैं इसको बंद करवा कर अगर आपको फ्री बांटना है, स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीज फ्री कर दो, आम जनता बहुत सुखी हो जाएगी। आप सब चीज फ्री दे रहे हैं, आप लोग बोलते बाजार में बेरोजगारी बढ़ गई, क्यों नहीं बढ़ेगी? मकान फ्री, पानी फ्री, लाइट फ्री, पैसा फ्री, बाप दे खाने को तो काय को जाए कमाने को, ये स्थिति हो गई है। कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी इन चीजों पे कि क्यों फ्री बांटा जा रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ फ्री बांटने। आज फ्री आपको क्या लगता है, क्यों राजनीतिक दल इतनी सारी चीजों के लालच देते कि फ्री ये देंगे फ्री वो देंगे? केवल वोटों के लिए। बाप दे खाने को तो क्यों जाए कमाने को? क्या लगता है फ्रीबीज का असर आपको लगता है, और क्या आप कहना चाहेंगे उन पार्टियों से जो फ्री की चीजें कह के या धर्म के नाम पर या समाज के नाम पर बांटने की बात करती है और फिर वोट लेने आपके पास आती है? आदरणीय अंकल जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि पार्टियों को जो है फ्री शिक्षा, फ्री हॉस्पिटल जो देना चाहिए। मैं आदरणीय अंकल जी से बोलना चाहता हूं कि आपको शायद मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो है 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जो है आयुष्मान कार्ड के रूप में आप सब और हम सबको दिया है। उसका उदाहरण है कि मेरे छोटा भाई जिसको पैर के अंदर उसका जो पैर चेंज हुआ था, उसका हड्डी का जो है उसके चेंज हुआ हड्डी का, उसका 1.25 लाख रुपए अगर मैं कहीं लगाता तो 1.25 लाख रुपए मुझे मेरे जेब से लगाने पड़ते, लेकिन आयुष्मान कार्ड से उसका इलाज फ्री में हुआ। ये स्वास्थ्य जो है फ्री में देने का काम करा। शिक्षा की बात में अगर मैं करूं तो आप देखिए आज भी जो है गरीबी रेखा के अंतर्गत जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनको जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर उनको जो है फ्री में शिक्षा दी जा रही है आरटीई के तहत। ये काम है भारतीय जनता पार्टी का। आयुष्मान योजना की बात कर रहे थे हम लोग, रवि जी आयुष्मान योजना की बात तो आपको भी माननी पड़ेगी। आखिर ये बता दे, जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ से बैठे हैं, 140 करोड़ लोगों के में से कितने लोगों के पास है? केवल 8 या 10% लोगों के पास है। उसमें भी विसंगति देखिए आप के जो बुजुर्ग लोग है उनके हस्ताक्षर नहीं मिलते, अंगूठे के निशान गायब है, तो उनका इलाज तो हो नहीं रहा है। मैं कल से एक महिला के लिए जो अवंती हॉस्पिटल में एडमिट है, कल परसों से परेशान हूं मैं इस बात के लिए कि उसको हार्ट का दौरा पड़ा है, 30,000 रूपये सब लोगों ने मिलकर जमा करा दिए, उनके परिवार के लोगों ने जमा कराए, पर वो बेरोमेटिक जो चिन्ह है वो नहीं आ पा रहे। ये सारी व्यवस्थाएं सरकारों को हटाना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। और अगर मोदी जी कहते हैं ना कि मैंने देश के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा दी है, तो पूरे 140 करोड़ देशवासियों को आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं है? इस देश में 80 करोड़ लोग को मोदी जी 5 किलो अनाज देते हैं। 5 किलो अनाज में भाई क्या घर चल जाता है? क्या उसको प्रति व्यक्ति तो ये देश कहाँ चला गया? 80 करोड़ लोग सरकार के अनाज पर डिपेंड है। ये विकसित भारत है, ये विकास। कैमरा उठाइए, ये घड़ी, ये भारतीय जनता पार्टी का राज देखिए ना, क्या चल रही है, कब से बंद है ये देखिए आप, 1 महीने से बंद है, 1 महीना, लेकिन इस वक्त चल रही है, 1 महीने से बंद है, अभी चल रही है। देखिए घड़ी का जो टाइम था, समय की बात होती है, समय समय की बात होती है, घड़ी की अभी बात हो रही थी, कुछ लोग घड़ी दिखा रहे थे। सनवर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? विद्वान साथी ने कहा है कि मात्र 10% लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उज्जैन के वो नेता हैं, 4-4, 5-5 बार उज्जैन की जनता ने उनको नगर निगम में पहुंचाया है, वो उज्जैन का आंकड़ा मैं उनको याद दिला देता हूं, 12,99,412 आयुष्मान कार्ड सिर्फ उज्जैन में बने हैं। ये मोदी जी हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। और हमारे विद्वान साथी सम्माननीय चंदेल साहब ने कहा कि ब्रिज नहीं बन पा रहे। हाँ, हमने वो दौर देखा है जब ब्रिज नहीं बन पाते थे, जब कांग्रेस के शासन में एक ब्रिज 10-10 साल में बनता था, 20-20 साल में बनता था। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि पिछले सीएस में 1 साल में 14 ब्रिज बनकर तैयार हुए हैं। और अब डॉक्टर मोहन यादव जी, हम गौरवान्वित हैं उज्जैन वासी कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी उज्जैन से हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और 5 माह हो गए, 1 दिन आराम नहीं किया, रात दिन काम कर रहे हैं। 457 जो हमारे घोषणा पत्र में योजनाएं थी, हमने जो घोषणाएं की थी उसमें से 130 पूरी कर चुके हैं। अब उज्जैन आगे और तेज गति से बढ़ा है। 20 साल में जो बीमारू प्रदेश आपने छोड़ा था
वो विकसित प्रदेश शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और अब मोहन जी ने संकल्प लिया है स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का आपके और हमारे सामने। एक सवाल यहाँ से आ रहा है आपके किसी आंकड़े पर आदरणीय